हेलो दोस्तों आप सभी लोगों को मित्तल कॉमर्स क्लासेस की तरफ से आदाब अभिनंदन नमस्कार सत्या कैसे हैं सब लोग आई होप सब मजे में होंगे सब बढ़िया होंगे दोस्तों मैं आपको सी ए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा वैसे तो आपका जो सीए फाउंडेशन का पेपर टू है तो जो पेपर टू है उसका जो नेम है अपना वो आपका बिजनेस लो एंड रिपोर्टिंग है जिसमें बिजनेस लो आपका 60 मार्क्स का आएगा एंड रिपोर्टिंग आपका 40 मार्क्स का एग्जाम में आएगा लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ बिजनेस लो और रिपोर्टिंग में आपको नहीं पढ़ाऊंगा यानी जो पेपर टू है आपका 60 मार्क्स का जो आएगा बिजनेस लो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार अपन जरा चर्चा करते हैं आज के बिजनेस लॉ के अंदर फ्रेंड्स कौन कौन से जो है टॉपिक जो है वो कौन कौन से अपने को देखने हैं सिलेबस में अपने को क्या पढ़ना है सबसे पहले तो देखिए अपन देखते हैं कि ये लॉ टॉपिक जो है अपन पढ़ते क्यों हैं सीए में आखिर सीए का लॉ से क्या वास्ता होता है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो अपन बोलते हैं बिजनेस लॉ का वास्ता होता है वो एक सीए का ही होता है आज मान लीजिए किसी भी पर्सन को बिजनेस से रिलेटेड कोई लॉ है इनकम टैक्स हो गया कंपनीज एक्ट हो गया अपना जीएसटी हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया किसी भी तरह का कोई उसको डाउट आता है किसी भी पर्सन को अपने भारत में कोई उसको एडवाइस चाहिए कि यार मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मेरे को जो है वो किसी ने बिजनेस में ऐसे से चीट कर दिया मैं कैसे उस पर एक्शन ले सकता हूं क्या इसकी रेट्स होगी तो वो कौन बताएगा वो एक उसको बिजनेस लॉ का जो एक प्रोफेशनल बंदा है वही बताएगा और बिजनेस लॉ का जो एक्सपर्ट नॉलेज होता है वो किसको होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही होता है इसलिए आपको बिजनेस लॉ सब्जेक्ट जो है वो आपके करियर में बहुत काम आने वाला है सीए बनने के बाद में आपको बिजनेस लॉ की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है क्योंकि आप क्लाइंट्स को आ, कंसल्टेंसी दोगे तो किस बेसिस पे दोगे जब आपको इन सारे लॉस का बिजनेस से रिलेटेड लॉस का अच्छी तरह से पता होगा इसलिए लॉ हमारे अपने पूरे की जर्नी में बहुत काम आने वाला सब्जेक्ट है फ्रेंड्स अब जरा अपन देखते हैं कि जो सी फाउंडेशन का बिजनेस लॉ है उसमें कौन कौन से एक्ट्स जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स जो सी फाउंडेशन का जो आपका पेपर होगा बिजनेस लॉ का उसके अंदर टोटल फाइव एक्ट्स जो है वो आपको पूछे जाएंगे जिसमें से सबसे पहला जो एक्ट होगा नंबर वन वो आपका होगा इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये अपन सबसे पहला एक्ट जो है वो पढ़ेंगे बिजनेस लो के अंदर सेकंड जो अपन पढ़ेंगे अपना अपने को जो पढ़ना है सिलेबस में वो अपने को पढ़ना है सेल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थर्टी सेकेंड एक्ट अपने को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 थर्टी पढ़ना है थर्ड अपन पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 थर्टी टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 थर्टी टू अपन पढ़ेंगे फ्रेंड्स फोर्थ टॉपिक अपन पढ़ेंगे लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट 192008 एलएलपी एक्ट 2008 भी अपन इसको कहते हैं और लास्ट में फ्रेंड्स अपन कंपनीज एक्ट का बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन यहां पे केवल दिया हुआ है क्योंकि कंपनीज एक्ट का मेन डिस्कशन आपके सी इंटर और सी ए फाइनल में कंपनीज एक्ट 2013 का कुछ बेसिक डिस्कशन बेसिक प्र

लगभग लगभग आपके फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आप मान लीजिए बारह मार्क्स के क्वेश्चन पूछे पूछे जाएंगे जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट से आपके जो है वो 13 के जो है है वो वो मार्क्स के क्वेश्चन और पांच मार्क्स के क्वेश्चन आपके एक्ट से आएंगे ये जो एस्टिमेशन uh, लगाया है आईसीआई ने सिर्फ ये बता रखा है इन चार एक्ट से हम फोर्टी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे और कंपनीज एक्ट से हम फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे ये जो एस्टिमेशन लगाया है हमने इनका चारों में से किसका कितना आएगा ये कुछ बता नहीं रखा है लेकिन प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर देख के हमने ये आइडिया लगाया है लेकिन फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं छोड़ के जाना आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं क्योंकि अपन सी की तैयारी कर रहे हैं और सीए की तैयारी में किसी भी तरह की चीज को छोड़ना बहुत ही बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए इसलिए आपको सारे टॉपिक सारे एक एक वर्ड जो है वो आपका लौका पढ़ के आपको जाना है अच्छा सर बिल्कुल हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे हाँ बेटा मुझे पता है जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वैसा ही करेंगे

वो आपका क्या रहेगा सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा सब्जेक्टिव बेस्ड सब्जेक्टिव पैटर्न एप्लीकेशन मतलब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको दे देंगे किसने इसके साथ ऐसा किया बताइए क्या होना चाहिए डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन जैसे इसके क्या ऑब्जेक्टिव है वो कम पूछे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेपर जो होगा मोस्ट ऑफ द पेपर वो आपका फ्रेंड्स जो है वो कहां से होगा वो मोस्ट ऑफ द पेपर आपका देशन बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड फ्रेंड्स पूछा पूछा जाएगा जाएगा ज्यादातर पेपर आपका अच्छा सर हाँ बेटा तो अब चलिए अपन जो है वो इसमें देखते हैं कि आपके लगभग लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है तो फ्रेंड्स जो 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है उसमें आप मानिए कि आपके टोटल जो है वो फाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन वो फाइव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया उसका उसका है, उसका ए पार्ट 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 है 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 बी सी ठीक जैसे ए पार्ट आपका चार नंबर का हो गया बी पार्ट आपका चार नंबर का हो गया सी पार्ट आपका चार नंबर का हो गया इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन इसके पार्ट्स बने हुए रहेंगे ए बी सी तो चार मार्क्स पांच मार्क्स छह मार्क्स तीन मार्क्स इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स अच्छा सर अब मैं आपको जरा बता देता हूं कि अपना teaching pattern क्या रहेगा, friends? Teaching pattern अपना क्या क्या रहेगा रहने वाला है अपने पूरे लॉ की के अंदर teaching pattern अपना क्या रहेगा friends, आपको जो CA की डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देगा देगा तो जो इंस्टीट्यूट जो संस्थान आपको सीए की डिग्री दे रहा है आप बताइए क्या उससे उस उससे उस, उस बढ़िया बुक्स किसी और की हो सकती है क्या नहीं हो सकती क्योंकि उसने आपके लिए कुछ बुक्स जो है वो निकाल रखी है तो उससे बढ़िया बुक और कुछ नहीं हो सकती तो हम स्ट्रिक्टली जो है वो आईसीएआई का स्ट्रिक्टली फ्रेंड्स आईसीआई का जो पैटर्न है या स्ट्रिक्टली जो हमारी ICI का बुक जो है वही हम क्या करेंगे फॉलो जो है वो करेंगे और इधर उधर के कहीं नोट्स कोई रेफरेंस बुक्स हम फॉलो नहीं करेंगे स्ट्रिक्टली हमें आईसीआई की बुक्स ही फॉलो करनी है अच्छा सर हाँ बेटा बिल्कुल चलिए अब हम इधर उधर की बातें किए बिना आज जो है वो सबसे पहले पहले मैं मैं आपको 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 शुरू करने से से बता देना चाहता हूं कि मैं आपको कौन सी बुक अब वैसे तो मैंने पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स जो आप एक बार आईसीआई की बुक आपके पास होगी बिजनेस आप उसको ओपन करिए उसके इनिशियल पेज पे आप देख लिये

सबसे पहला एक्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फ्रेंड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फ्रेंड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो अंग्रेजों के जमाने में आया था

ई की जो बुक है उसमें यूनिट नंबर वन आपको शुरू में मिल गया होगा इंडियन का नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स अब देखिए तो तो जाएंगे सबसे पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं पेज नंबर 1.2 पे फ्रेंड्स पेज नंबर 1.2 पे सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट पेज नंबर वन पे मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे पेज नंबर है हमारा 1.2 पे हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों वो है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट तो आखिर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं फ्रेंड्स ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप भी मेरे साथ नोट कर सकते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट को एक छोटी सी कोई कॉपी आप लॉ की अपने साथ यूज कर सकते हैं तो कुछ चीजें मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा हालांकि वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आईसीआई की बुक से लेकिन कुछ चीजें जो आपके बाद में आपको हेल्पफुल रहेगी तो वो आप या तो बुक के साथ साथ बुक में साथ साथ या फिर कोई अलग से कॉपी में आप छोटी सी आप नोट कर सकते हैं तो अपन देखने जा रहे हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है सबसे पहले फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स क्या आता है प्रपोजल आता है क्या आता है प्रपोजल आता है या जिसको हम कहते हैं ऑफर आता है प्रपोजल आता है या ऑफर आता है जैसे मैंने आपको प्रपोजल दिया ऑफर दिया कि बेटा ये पेन ये पेन आप 50 रुपीस में परचेस करोगे क्या तो मैंने आपको प्रपोजल दिया मैंने आपको क्या दिया ऑफर दिया और आपने उस प्रपोजल को क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया आपने कहा हाँ सर आप यदि हमें पेन दे रहे हो तो हम नहीं खरीदे ऐसा हो ही नहीं सकता तो आपने मेरे प्रपोजल को आपने मेरे ऑफर को क्या कर लिया दोस्तों एक्सेप्ट कर लिया फ्रेंड्स जैसे ही प्रपोजल या ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है

Consideration सर ये क्या 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 होता होता मतलब होता है something in क्या होता है 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 बेटा का मतलब में में कुछ हमको मिल रहा वही जैसे इस मेरे मेरे लिए consideration क्या है? मेरे लिए consideration वो 50 रुपीज है जो आप मुझे दोगे और आपके लिए कंसिडरेशन रिटर्न क्या है ये पेन है तो प्रॉमिस में फ्रेंड्स बताओ क्या हो गया कंसिडरेशन हो गया तो फ्रेंड्स बताओ वो चीज क्या बन जाती है वो बन जाती है हमारी एग्रीमेंट बन जाती है क्या बन जाती है एग्रीमेंट बन जाती है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है कॉन्ट्रैक्ट अब कैसे बनता है एग्रीमेंट एग्रीमेंट प्लस एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाई लॉ एग्रीमेंट क्या हो फ्रेंड्स एनफोर्सिएबल बाई लॉ हो तो वो क्या बन जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है सर ये अद्भुत वर्ड आ गया हमारे सामने एनफोर्सिएबल बाई लॉ जरा इस पे चर्चा कीजिए ना जरा ये बताइए ना सर इन्फोर्सियबल बाई लॉ क्या होता है बिल्कुल बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्फोर्सिएबल बाई लॉ क्या होता है एनफोर्सिएबल बाई लॉ होता है ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ अच्छा माने जिसको लॉ वैलिड माने जिसको लॉ बोले कि हाँ भाई इस एग्रीमेंट को हम देखेंगे, इस एग्रीमेंट को इस एग्रीमेंट को लॉ अच्छा मानता इस एग्रीमेंट को कोर्ट जो है इस एग्रीमेंट को कोर्ट कंसिडर करता है लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनको लॉ बोलता है नहीं यार ये तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तुमने ऐसा एग्रीमेंट कर ही कैसे लिया

और आपने कहा यस सर वी विल बाय दिस पेन फॉर फिफ्टी रुपीस। तो प्रपोजल पे जैसे ही आपने ऑफर दिया वो क्या बन गया प्रॉमिस बन गया प्रॉमिस में क्या हो फ्रेंड्स प्रॉमिस प्लस

क्या कोई अपन ने गलत काम को करने के लिए एग्रीमेंट किया है क्या आ, ये तो अच्छा काम है पेन की तो सेल और परचेज हो हो ही सकती है तो हाँ, लो लो है तो बिल्कुल एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बोलता कि कोई बात नहीं ए, ये एग्रीमेंट अच्छे काम के लिए इसको हम देखेंगे तो जो एग्रीमेंट अपन ने किया वो अच्छे काम के लिए था वही एनफोर्सिबल बाई लो वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है फ्रेंड्स चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स और देता हूँ एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ हाँ सर बिल्कुल दीजिए ना बेटा एक बंदा है जिसका नाम है जय एक बंदा है जिसका नाम है वीरू ठीक है और एक बंदी है जिसका नाम है बसंती क्या है बसंती चलिए अब क्या हुआ जय की जो है वो बेटा क्या हो रहा है जय की जो है वो बसंती से शादी हो रही है जय की बसंती से क्या हो रही है शादी हो रही है वीरू को ये बात पसंद नहीं आई वीरू को ये बात पसंद नहीं आई वीरू दौड़ा दौड़ा किसके पास गया वीरू दौड़ा दौड़ा गया गब्बर के पास गया वीरू कहाँ गया गब्बर के पास गया गब्बर को वीरू बोलता है क्या दिया वीरू ने गब्बर को क्या दिय? प्रपोजल दिया प्रपोजल दिया कि तू तु, दिय? दिय? बसंती की शादी रुकवा दे तो मैं तुझे पांच करोड़ रुपए दूंगा और गब्बर ने उस ऑफर को क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया फ्रेंड्स तो प्रपोजल जैसी एक्सेप्ट हुआ वो क्या बन गया प्रॉमिस बन गया क्या बन गया फ्रेंड्स प्रॉमिस बन गया और प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो गब्बर के लिए कंसिडरेशन क्या है जो वीरू उसको पांच करोड़ रुपए देगा और वीरू के लिए कंसिडरेशन क्या है गब्बर बदले में जो जय और बसंती की शादी करो रुकवाएगा तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन वो क्या होता है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन फ्रेंड्स एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सियबल बाई लो एग्रीमेंट यदि एनफोर्सियबल बाई लो अब गब्बर पैसे लेकर भाग गया और जैन ने बसंती के साथ सात फेरे ले लिए अब जो है अब बेटा दौड़ा दौड़ा वीरू जा रहा है कोर्ट में कि मैंने जो है वो गब्बर के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया था इसने मेरे साथ धोखा किया कोर्ट बोलेगा पहले तो जरा आप आइए साइड में आपने ऐसा एग्रीमेंट किया ही कैसे क्या वो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है क्या वो एग्रीमेंट लॉ वैलिड मानता है नहीं मानता है तो बेटा वही एग्रीमेंट जो क्या हो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जो लॉ की आइज में वैलिड हो लॉ की आंखों में अच्छे हो ओनली वही क्या बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए और समझते हैं मैं कहता हूं मैं कहता हूं क्या आप मेरा फोन क्या आप मेरा फोन पचास हजार रुपए में खरीदोगे क्या आपने कहा सर बिल्कुल आपका फोन पचास हजार में तो क्या आपका फोन तो हम पांच लाख रुपए में भी खरीद सकते हैं मुझे पता है बेटा आप मेरा फोन पांच लाख रुपए में भी खरीद सकते हो मैंने आपको ऑफर दिया मैंने आपको प्रपोजल दिया आपने उसको यस एक्सेप्ट कर लिया वो क्या बन गया वो प्रॉमिस बन गया प्रॉमिस में कंसिडरेशन है या नहीं है मेरे को जो आप पचास हजार रुपए दोगे वो मेरे लिए कंसिडरेशन है मेरा फोन

व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट और इसको आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो 1.2 पर जो जो बातें लिखी गई है ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने आपको लिखाया है उसी में ये सारी बातें जो है वो आ गई है वॉट इज कॉन्ट्रैक्ट सारी बातें फ्रेंड्स वन पे और वन पे जो आपके आपको डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट से पहले 1.3 से पहले आपको जो मैंने लिखाया है वो सब कुछ आप पढ़ लीजिए आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी अब अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे फ्रेंड्स 1.3 पे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट हाँ जी फ्रेंड्स दोस्तों अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स चार डिफरेंस आपको दिए हुए हैं

कोई जो आपका इलीगल चीज है इलीगल काम को करने का हो या लीगल काम को करने का हो सारे के सारे जो है वो आपके एग्रीमेंट तो बन जाते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन से बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट वही बनते हैं जो लीगल यानी ये स्कोप में क्या हो गए फ्रेंड्स नैरो हो गए या साइज में कम हो गए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं क्या होते हैं सोशल एग्रीमेंट होते हैं जैसे आप किसी को ऑफर दे रहे हो कि मेरे आज बर्थडे है तो आपको आना है उसने एक्सेप्ट कर लिया प्रॉमिस है ठीक है वो एग्रीमेंट होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट केवल वही एग्रीमेंट बनते हैं जो बाय यानी कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते कुछ यानी लिमिटेड एग्रीमेंट ही क्या बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बताइए साइज में क्या हो गए कम हो गए इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेंड्स जो स्कोप होता है वो क्या होता है नैरो होता है और एग्रीमेंट का जो स्कोप होता है फ्रेंड्स वो बताओ क्या होता है

क्या वीरू और गब्बर एक दूसरे के लिए बाइंड है, क्या सिर्फ है तो नहीं बेटा नहीं, तो नहीं, नहीं है लेकिन हो गया, हो गया तो आपको करना पड़ेगा जैसे अपन ने फोन बेचने का जो आपने अपन ने किया था वो कॉन्ट्रैक्ट था वहां पर अपन एक दूसरे के लिए बाइंड है लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट ही हुआ है वो यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है तो पार्टीज पर कोई राइट्स और ऑब्लिगेशन फ्रेंड्स क्रिएट

यानी यानी कि बताओ जो जो नहीं 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 होते जो agreements enforceable by law नहीं होते वो contract नहीं बनते हैं। कोई जरूरी नहीं सारे एग्रीमेंट्स क्या हो कॉन्ट्रैक्ट हो लेकिन ऑब्वियस बात है देखिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है जब वो एग्रीमेंट भी और एनफोर्सेबल बाय लॉ हो यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली बताओ क्या होते हैं एग्रीमेंट होते हैं इसी तरह से देखिए बेटा एक एक दादाजी एक दादाजी बताओ पापा जी होंगे या नहीं होंगे बिल्कुल होंगे दादाजी पापाजी होंगे या नहीं होंगे बिल्कुल होंगे लेकिन हर पापा जी दादाजी थोड़ी होता है हर पापा जी दोस्तों दादाजी नहीं होता कोई जरूरी नहीं है तो वैसे ही आप देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वो तभी बनता है जब उसमें क्या हो एग्रीमेंट हो यानी एवरी कॉन्ट्रैक्ट हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ऑल कॉन्ट्रेक्ट जो होते हैं फ्रेंड्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं बट ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाई लो केवल वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं इसलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन पेज नंबर 1.5 1.4 पे अगला टॉपिक है हमारा एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स आपके सामने आपको दिख गया होगा सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दें पेज नंबर 1.4 पे अपने को अगला टॉपिक पढ़ना है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें क्या-क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए तो देखिए सबसे पहले तो एक टेबल के जरिए ये असेंशियल एलिमेंट्स इन्होंने बता रखे हैं और फिर बाद में इनको डिटेल में डिस्कस किया गया है तो देखिए अपन जो है वो सबसे पहले डिटेल से ही शुरू कर देते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए नंबर वन आप फ्रेंड्स देखेंगे सबसे पहले है टू पार्टीज टू पार्टीज आप खुद सोचिए एक अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट कम से कम क्या होने चाहिए दो पार्टी के बीच में तो होना ही होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए फ्रेंड्स हाँ ये बात है कि पार्टी कोई जरूरी नहीं नेचुरल बॉन्ड पर्सन हो पार्टी कोई जरूरी नहीं क्या हो नेचुरल बॉन्ड पर्सन हो फ्रेंड्स पार्टी जो है वो बताओ क्या होती है पार्टी आपका आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकती है जैसे कोई कंपनी हो सकती है जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है फ्रेंड्स कैसे जैसे आपने मित्तल कॉमर्स क्लासेस एम प्राइवेट लिमिटेड से आपने ऑनलाइन कोचिंग ली तो हमसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एम प्राइवेट लिमिटेड का एक स्टूडेंट के साथ में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बताइए एक पार्टी एम प्राइवेट लिमिटेड है और एक पार्टी आप हो आप नेचुरल बॉन्ड पर्सन हो बट एम नेचुरल बॉन्ड पर्सन नहीं है तो पार्टी कोई जरूरी नहीं नेचुरल बॉन्ड पर्सन हो वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकती है जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस है लॉ जैसे कंपनीज का यूनिवर्सिटी का इनका लीगल एग्जिस्टेंस है तो कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी जो है वो नेचुरल बॉन्ड पर्सन ही हो वो एक आर्टिफिशियल एंटिटी भी हो सकती है चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एटलीस्ट दो पार्टीज आपकी होनी चाहिए ठीक है एक पार्टी जो ऑफर देती है और दूसरा जो ऑफर एक्सेप्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई जरूरी नहीं नेचुरल बॉन्ड पर्सन हो उसके साथ साथ में ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनका अपना कोई लीगल तो उसमें दो पार्टीज होनी चाहिए जैसे एक सेलर हो गया और एक क्या हो गया बायर हो गया मतलब दो पार्टीज होनी चाहिए और एक केस लो क्योंकि एक बंदा खुद का गुड्स जो है वो कभी भी परचेज नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो भी ऑब्वियसली बात है एक सेलर होगा और एक क्या होगा बायर होगा आपने भी एमसीसी से जब ऑनलाइन कोचिंग लिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट आपने जो है वो हालांकि आपने सर्विसेज लिए तो आप एमसीसी हो गया सेलर और आप हो गए बायर कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए अब एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है एक एग्जाम एक केस लो दिया हुआ देखिए उस केस लो का आप ध्यान रखेंगे गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी इस केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स एक पार्टनरशिप फर्म थी क्या थी पार्टनरशिप फर्म थी मान लीजिए चार भाई हैं एक पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये चारों भाई मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहे हैं रन कर रहे हैं अब बेटा पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन हुआ तो फर्म की जो असेट्स है इन चारों भाइयों में बटती है फर्म की इन चारों भाइयों में बटती है अभी सेल टेक्स ऑफिसर क्या बोल रहा है कि भाई फर्म की असेट्स जो है वो पार्टनर में बट गई तो एक पर्सन ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम तो ये सेल हो गई तो सोचिए क्या और असेट यदि पार्टनर को जाती है तो वो पहले भी उन्हीं की थी अब भी उन्हीं की है दो पार्टीज नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप फार्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती पार्टनर और फार्म दोनों क्या होते हैं फ्रेंड्स एक ही होते हैं तो वहां पर किसी भी तरह का कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा यह इस केस में बताया हुआ है ओके सर अब चलिए दूसरा अपन फ्रेंड्स देखने जाते हैं। दूसरा दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए फ्रेंड्स पार्टीज का इरादा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए कोई सोशियल एग्रीमेंट ध्यान रखिएगा कोई सोशियल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं तो वो एग्रीमेंट्स लॉ की आईज में वैलिड नहीं होते हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इरादा होना चाहिए आपके कोई घर के 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 कॉन्ट्रैक्ट हैं डोमेस्टिक टाइप टाइप सोशल वो एग्रीमेंट्स कभी भी वैलिड नहीं होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोस्तों आपकी पार्टीज का इरादा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स मेरे एक बचपन की दोस्त है आपने नाम सुना होगा उसका उसका नाम है फ्रेंड्स श्रद्धा कपूर और मैंने अपने बर्थडे पर मैंने अपने बर्थडे पर श्रद्धा कपूर को इनवाइट किया उसने कहा मैं ज़रूर आऊंगी तुम्हारे बर्थडे पर और मैंने क्या किया मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैंने पार्टी में स्पेशल अरेंजमेंट किए मैं उसका इंतज़ार करता रहा लेकिन वो आई ही नहीं अब मैं उस पर केस करने जा रहा हूँ कि उसने प्रॉमिस किया था मुझसे वो नहीं आई उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया तो मुझे डैमेजेस चाहिए उससे क्या फ्रेंड्स मैं उससे डैमेजेस मांग सकता हूं क्या नहीं मांग सकता क्योंकि पार्टीज का जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जैसे अभी हमारे जो एग्रीमेंट हुआ था श्रद्धा जिससे जहाँ पर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स क्रिएट करने का इरादा होता है पार्टीज का वो नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स वो नहीं होना चाहिए पार्टीज का इरादा जो है वो एक सोशल लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए एक फादर ने एक फादर ने अपने बेटे को कहा बेटा मैं तुम्हें एक गाड़ी दिलाऊंगा मैं तुम्हें एक गाड़ी दिलाऊंगा यदि तुम सी ए के एग्जाम में सी ए के एग्जाम में क्या करोगे सी ए का एग्जाम तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लोगे और बच्चे ने क्या किया बच्चे ने मित्तल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में वो पढ़ने आया और बहुत जमकर उसने मेहनत की और फर्स्ट अटेम्प्ट में विद ऑल इंडिया रैंक जो है वो बच्चा क्या हो गया सी ए के एग्जाम में पास हो गया अब पिताजी से पिताजी पे केस कर रहा है कि भैया मुझे गाड़ी दिलाओ पिताजी आपने कहा था कि आपको गाड़ी दिलाऊंगा यदि पास हो जाओगे मैं तो एआईआर लिया हाँ मुझे गाड़ी दिलाओ क्या पिताजी उसको गाड़ी दिलाने के लिए बाउंड है क्या नहीं है, क्योंकि पार्टीज का जो इंटेंशन है वो हमेशा लीगल करने वाला होना सोशल और डोमेस्टिक नहीं, नहीं माने जाते हैं अच्छा सर हाँ बेटा और एक एग्जाम्पल दिया हुआ उस एग्जाम्पल का नाम क्या है एक केस हुआ था उस केस का नाम है देखिए बालफोर वर्सेज बालफोर बालफोर वर्सेज बालफोर केस में क्या हुआ था दोस्तों एक हस्बैंड ने कहा एक हस्बैंड ने अपनी धर्म पत्नी को कहा अपनी वाइफ को कहा कि जब तक मैं मैं अब्रॉड रहूंगा जब तक मैं क्या रहूंगा अब्रॉड रहूंगा रहूंगा जब तक मैं विदेशों में एवरी तो मंथ हर महीने कुछ मेंटेनेंस दूंगा हर महीने तुम्हें तो कुछ पैसा मैं जो जो दूंगा तो मुझसे जो है वो अपने आप को मेंटेन कर लेना घर गर का घर का खर्चा तुम निकाल लेना बाद में जो है वो हस्बैंड जो है वो नहीं दे पाया जो उसने अमाउंट प्रॉमिस किया था वो नहीं दे पाया वाइफ ने बताओ उस पर क्या किया उस अमाउंट की रिकवरी के लिए केस किया क्या वाइफ बताओ रिकवर कर पाएगी क्या नहीं बेटा वाइफ रिकवर नहीं कर पाएगी क्योंकि ये भी उनका बताओ क्या था सोशल एग्रीमेंट का घर के मामले थे यहाँ पर उनका जो इरादा था वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का नहीं था तो फ्रेंड्स वर्सेस बाल्फोर के केस में क्या हुआ था एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा था कि मैं तुम्हें हर महीने क्या करूंगा हर महीने में तुम्हें इतना पैसा दूंगा जिससे तुम अपना कुछ खर्चा वर्चा चलाने ना जब तक मैं अब्रोड हूँ बाद में हस्बैंड ने नहीं दिया धर्म पत्नी बेहद नाराज हो गई उससे धर्म पत्नी उस पर केस करना चाहती है क्या उसको कोई रेमेडी मिलेगी नहीं क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है पार्टीज का इरादा लीगल ऑब्लिगेशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं है तो फ्रेंड सेकेंड टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज का इरादा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए कोई भी सोशल और डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट जो होता है वो एनफोर्सिबल बाई लॉ नहीं होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है और एक बालफोर वालसर बालफोर का केस दिया हुआ है हाँ सर अब देखिए थर्ड एक बार छोड़ दीजिए अपन पहले क्या चलते हैं

तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा सर एक एग्ज़ाम्पल दे दीजिए ना बिल्कुल बेटा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आपको पता है दोस्तों मेरे पास मेरे पास जो है वो गाड़ियों का जो है वो बहुत बढ़िया कलेक्शन है मेरे पास मारुति एट भी है मेरे पास होंडा सिटी भी है और मेरे पास जो है मेरे पास बी भी है मेरे पास जो है मेरे पास ओडी भी है और मेरे पास लम्बोरगनी भी है मेरे पास कई सारी गाड़ियां बेटा ये पांच गाड़ियां मेरे जो है, वो क्या है? मेरे में है अच्छा सर ये सारी मीनिंग की आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपने कहा आपने क्या कहा आपने दोस्तों कहा कि सर आप हमें हमारी आप अपनी गाड़ी बेच देंगे क्या मैंने कहा बिल्कुल बेच देंगे आपने कहा सर कितने पैसे लोगे मैंने कहा मैं आपसे कितना लूंगा मैं आपसे जो है वो पांच लाख रुपए में आपको अपनी कार बेच दूंगा आपने कहा अच्छा सर मैंने कहा हाँ बिल्कुल बाद में जब मैंने गाड़ी देने की बारी आई तो मैं आपको अपनी मारुति एट हंड्रेड दे रहा हूँ आप बोल रहे हो नहीं सर हमने सोचा आप तो अपने लेम्बुर्ग नहीं दोगे अरे भैया बाद में जो है वो दोनों पार्टीज में मेरे और आपके बीच में डिस्प्यूट हो गया आप जो है वो कोर्ट में जा रहे हो कि भैया जो है वो सर ने देखो हमारे साथ धोखा कर दिया हमने सोचा था लेम्बुर्ग देंगे लेकिन सर तो एट दे रहे हैं लॉ बोलता हमें क्या पता तुमने कौन सी गाड़ी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था हमें क्या पता तुमने कौन सी गाड़ी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था हम कैसे पता चले पता चले कि तुमने कौन सी गाड़ी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था इस कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी नहीं है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए उसके अंदर उसके अंदर क्या होना चाहिए उसके अंदर सर्टेनिटी भी होनी चाहिए अनसर्टेनिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन नॉट वेग और अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए एक देखिए दिया ए ने बी को कहा मैं तुम्हें हंड्रेड टन ऑफ ऑयल क्या करूंगा सेल करूंगा अभी बाद में ए बोलता है लो भैया नारियल का तेल बी बोलता नहीं 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 मैं नारियल का तेल नहीं लूंगा मैंने तो सोचा था तुम मुझे आलमंड का ऑयल तो दोगे अभी लो बोलता हमें क्या पता भैया तुमने कौन से ऑयल बेचने का खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था सर्टेनिटी नहीं है तो हम तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे तो यहाँ पर ए ने बी को कहा है मैं तुम्हें ऑयल सेल करूंगा अंड्रेड ऑयल लेकिन यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है कि किस तरह का ऑयल जो है वो सेल और परचेज करने की बात की जा रही है इसलिए दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जो एग्रीमेंट है कभी भी फ्रेंड्स वैलिड वैलिड नहीं माना जाएगा अच्छा सर हाँ बेटा चलिए दोस्तों अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं अपना पांचवा टॉपिक है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट एग्रीमेंट बेटा पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए क्या होना चाहिए पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए सर एक एग्जांपल दे दीजिए ना बेटा बिल्कुल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं चलिए मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि मैं आप आप जो है मुझे दस दीजिए मैं आपको

Possibility of performance भी चाहिए जैसे, जैसे कि जैसे जैसे क्या हुआ जैसे कि मान लीजिए मिस्टर मिस्टर एक्स को कहा किसने कहा, मिस्टर वाई ने कहा, मिस्टर वाई ने कहा कि मैं तुम्हें दस लाख रुपए दूंगा यदि तुम आधे घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर दिल्ली से, दिल्ली से बॉम्बे दौड़कर दिखा दो क्या ऐसा पॉसिबल है आधे घंटे में क्या कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान क्या आप बताओ भाग करके दिल्ली से बॉम्बे जा सकता है क्या नहीं इसलिए वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है तो फ्रेंड्स ध्यान रखना एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट कैपेबल टू परफॉर्म होना चाहिए कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इम्पोसिबल काम को करने के लिए उसको इनफोर्स नहीं नहीं कराया जा सकता जैसे कि जैसे कि ए बोल रहा है किसको बी को तुम मुझे कुछ पैसे दो और मैं अपने जादू से मैं अपने मैजिक से कुछ कुछ ट्रेजर, ट्रेजर मैं खजाना ढूंढ के दिखा दूंगा क्या यह एग्रीमेंट एनफोर्स कराया जा सकता है क्या केस किया जा सकता है कोर्ट में नहीं क्योंकि क्योंकि दिस एग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म ये एग्रीमेंट पॉसिबल टू परफॉर्म दोस्तों नहीं है अच्छा सर ये बात भी हमें समझ में आ गई चलिए दोस्तों आज अपन पांच ही क्या पढ़ेंगे अपना ये अशेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पहला अपन ने पढ़ लिया दो पार्टीज होनी चाहिए दोस्तों दो पार्टीज होनी चाहिए ठीक है और पार्टीज का इरादा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए उसके बाद में फोर्थ अपन ने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी होनी चाहिए फिर पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए और थर्ड एक बार देख लेते हैं अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस ये क्या लिखा हुआ है कुछ contracts ऐसे होते हैं, जहां पर दोस्तों हमें कुछ फॉर्मेलिटीज हमको कम्प्लाई करनी होती है कुछ केसेस में तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स क्या माने जाते हैं वैलिड माने जाते हैं अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माने जाते हैं जैसे कि, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है वो रिटर्न में होना चाहिए क्या होना चाहिए रिटर्न में होना चाहिए मान लीजिए मेरे को मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लो बोलता है कि नहीं भैया इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो रिटर्न में होना चाहिए तो दो पार्टीज हैं मतलब सब कुछ है, है, सब कुछ कुछ है 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 सर्टेनिटी लेकिन वो राइटिंग में नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए तो अदर फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या होता है कुछ सर्टेन केस में लो कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट और डाल देता है तो वो वाला रिक्वायरमेंट भी हमको पूरा करना पड़ेगा जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में वो रिटर्न में लॉ में लिखा हो रिटर्न में होना चाहिए तो रिटर्न में नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा जैसे कि जैसे कि फ्रेंड्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है लैंड और बिल्डिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बताओ क्या होंगे उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है मैंने आपको लैंड बेची तो बताओ आप उसको रजिस्टर करवाओगे या नहीं करवाओगे अपने law, अपने नाम से बिल्कुल कराओगे तभी वो वैलिड होगा क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी की सेल और परचेज में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो रजिस्टर्ड करवाने चाहिए इसलिए कुछ केसेस में लोग जिन जो सर्टेन उसने क्या लगा रखी है आपके कंप्लाइंस फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मेलिटी लगा रखी है कंप्लाइंस के लिए वो फॉर्मेलिटी भी आप पूरी करोगे तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए तो वो राइटिंग में होना चाहिए इमुवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम में रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो वो बिल्कुल रजिस्टर्ड होनी चाहिए आई होप आपको असेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अदर असेंशियल एलिमेंट्स में पांच एलिमेंट समझ में आ गए होंगे तो दोस्तों एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स आज अपन ने पढ़ा सबसे पहले पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है क्या आपको याद है क्या आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका कैसे बनता है क्या तुम्हें याद है हाँ सर हमें याद है अच्छा सर अच्छा बेटा क्या याद है तुम्हें देखिए सबसे पहले क्या आता है प्रपोजल आता है प्रपोजल और ऑफर आता है फिर फिर प्रपोजल और ऑफर क्या हो जाता है एक्सेप्ट हो जाता है एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है प्रॉमिस बन जाता है मैं आपको बोलता हूं खरीदोगे क्या पचास रुपए में आपने कहा सर बिल्कुल खरीदेंगे वो प्रॉमिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो आपके लिए क्या है कंसिडरेशन पेन मेरे लिए क्या है फिफ्टी रुपीज तो प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो तो वो एग्रीमेंट और एग्रीमेंट अच्छे कामों को करने के लिए हो यानी इनफोर्सिबल बाई लो हो तो वो क्या बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है

लेकिन एग्रीमेंट में तो सारे आ जाते हैं लीगल इन सोशल एग्रीमेंट जैसे यही श्रद्धा कपूर को जो पार्टी में इनवाइट किया था वो सोशल एग्रीमेंट है तो चाहे लीगल सोशल सारे ही आ जाते हैं ना एग्रीमेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं सोशल लेकिन एग्रीमेंट तो होते ही इसलिए उनका स्कोप वाइड होता है लीगल ऑब्लिगेशन सिर्फ 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 के सिर्फ क्या हुआ है एग्रीमेंट हुआ जैसे श्रद्धा जी से हमारा सिर्फ क्या हुआ था एग्रीमेंट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तो बताओ वो क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है पार्टी पे नहीं पार्टी उसको मना भी कर सकती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो पार्टीज पर फ्रेंड्स लीगल

कुछ केसेज में जहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी होती है जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए इमोबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो वहाँ पर वो भी होना चाहिए अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी होनी चाहिए अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए मेरे पास पचास गाड़ी है पता ही नहीं है कौन सी गाड़ी की सेल परचेज अपन कर रहे हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए सौ में से एक सौ दस मार्क्स दिला सकता हूँ क्या मैं नहीं क्या आधे घंटे में मुंबई से दिल्ली दौड़ कर कोई पहुँच सकता है क्या नहीं तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जादू से खजाना ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट जो होते हैं वो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं होते हैं इसलिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो पॉसिबल टू परफॉर्म भी होना चाहिए और दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खम, समाप्त करेंगे आई होप गाइज यू एंजॉयड माई लेक्चर आप सभी लोगों को थैंक यू बाय बाय